है, बिल्कुल जाले की तरह जो एसाइटिस होती है एज यू है वो हमें नजर आता है जब ट्रॉमा का कोई पेशेंट हो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के पेट में पानी है या एसाइटिस आइटिस एस हो कहाँ से टेक्सचर भी कोर्स आ रहा है असलम वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइव सो टे वस अबाउट एस आईटीज़ एस आई टीज़ क्या होती है और सोनोग्राफिकली हमें अल्ट्रासाउंड पे एस आई टीज़ कैसे नजर आती है तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इट इज़ द साइजबल अमाउंट ऑफ लुइड इन द एबडोमिनल कैिटी जब पेट में पानी पड़ जाता है यानी ज़्यादा पानी हो जाता है तो इट मीन्स कि आपके जो है वो एस आइटीज़ है मिनिमल अमाउंट जो है वो सेवेंटी फाइव तक होती है फिफ्टी से सेवेंटी फाइव तक मिनिमल uh, अमाउंट है फ्लोइड की जब इससे इंक्रीज कर जाता है तो देन एस uh, हो जाता है रेडियोलॉजिस्ट जो है इसको एस कहते हैं सो so, अब एस जो है उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास आएगा पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी जो कि बहुत पेनफुल भी हो सकती है पेशेंट को दिल खराब होगा उसका नोज़िया होगा वॉमिटिंग होगी डिस्निया होगा एंड देन जो है वो पेरीफ्रल एडिमा भी हो सकता है हाथ पाँव पे सोजिश हो जाएगी और जो है वो पेट काफ़ी डिस्टेंडेड हुआ होगा फूला हुआ होगा इट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के पेट में पानी है या एसाइटिस है एसाइटिस के डिफरेंट कलर्स की बेस पे हम डिफ़ाइन uh, कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का इन्फेक्शन है या पेशेंट में कौन सी डिजीज़ चल रही है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो हमारे पास एसाइटिस ब्लडी कलर की है तो इट मीन्स कि पेशेंट को हिपैटोसेलर कार्सिनोमा है पेशेंट को म, जो जो ज़्यादा मसला है वो जिगर का मसला आ रहा है और उसको हेपाटाइटिस हुआ हुआ है जिगर का कैंसर हुआ हुआ है सो इट इज़ द क्लिनिकल प्रजेंटेशन इफ़ योर एसाइटिस इज़ ऑफ रेड कलर सो इसमें जो है वो आपको इस तरह से रेड लाइक -like नज़र आएगा एसाइटिस फ्री फ्लूड जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पेशेंट का जो है वो ट्रोमेटिक एसाइटिस चल रही है या कोई जो है वो मलिग्नेंसी वगैरह चल रही है इसके अलावा हमारे पास क्लाउडी कलर का होता है फ्री फ्लूड जो कि पेंक्रेटाइटस में हमें मिलता है सो कुछ इस तरह से क्लाउडी लाइक पैरासेंटिस का सैंपल ये इसकी पिक्चर है इस तरह से हमें नज़र आएगा एसाइटिस सो नेक्स्ट जो है वो मिल्की होगा जिस तरह से पीछे मैंने दिखाया ट्यूबर क्लॉसिस में मलेगनेंसी में जो हमें एसाइटिस मिलेगा दैट विल बी ऑफ कलर ऑफ मिल्की अपेयरेंस डार्क ब्राउन हो सकता है बाइरी परफोरेशन और जब लीक होगा तो देन हमें जो है वो एसाइटिस का कलर डार्क ब्राउन मिलेगा जैसे रेड लाइक होता है मतलब मिलते जुलते ही ये होते हैं सो कोजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से एसाइटिस हो जाती है या पेट में पानी पड़ जाता है सो सो कोजेज में जो है वह पेशेंट को सिरोसिस हो सकता है जिगर का मसला हो सकता है जिगर जो है वो ख़राब हुआ होगा और कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है जैसे कि सोनोग्राफिकली भी हम देखें तो जो पेशेंट होते हैं सीएलडी के पेशेंट होते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट जिनका लिवर का मसला हो उनमें मोस्टली जो है हमें एसाइटिस नज़र आती है उनके पेट में पानी पड़ जाता है सो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है सिरोसिस हो सकती है कार्डियक फेलियर हो सकता है हाइपोप्रोटिनीमिया हो सकता है हाइपोप्रोटीनिया प्रोटीनिया प्रोटीनीमिया जो है वो ट्रांजिटिव कॉज में आता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है अगर हम एग्जीडेटिव एसाइटिस के कोजि की बात करें तो हमारे पास आता है पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस ये हो सकता है पेंक्रियाटाइटस हो सकता है जिसकी वजह से एसाइटिस होगी एब्सेस कहीं पे बना हो सकता है इसके अलावा बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इसकेमें बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इसके अलावा जो है हमारे पास पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस हो सकती है जो कि लास्ट स्टेज है फेशियल जो है उसके कैंसर की मेलिग्नेंसी की सो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एसाइटिस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोनोग्राफिक फ़ीचर्स अल्ट्रासाउंड पे हमें किस तरह से नज़र आएगा एसाइटिस तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसाइटिस जो सिंपल एसाइटिस है वो होती है एनिकोइक एनिकोइक एसाइटिस लाइक सिंपल आपको फ्री फ्लूड नज़र आएगा जैसे ब्लैडर में यूरिन नज़र आता है उसी तरह से सिंपल फ्री फ्लूड नज़र आएगा और दूसरी जो इसइटिस होती हैं वो होती है डेबरिनस दो तरह की एसाइटिस होती हैं जितनी भी जो ट्रोमेटिक इसाइटिस होती हैं ट्रॉमा की वजह से होती हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पे डेबरिनस लाइक नज़र आती हैं छोटे छोटे से दानेदार होंगे उसमें बिल्कुल जो है वो ए सॉरी हाइपर इकोइ जो है वो हमें दाने दाने से नजर आएंगे लाइक बिल्कुल एन नहीं होगी सो so, नेक्स्ट हम अगर इसकी सोनोग्राफिक इमेज देखें सबसे पहले जो पहली इमेज है वो डबरीनेस लाइक आ रही है बिल्कुल जो है वो सेप्टेशन इसमें आ रही हैं सो दिस इज द एसाइटिस दूसरी इमेज में देखें तो लिवर के लेफ्ट लॉब के पास बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रीक आ रही है फ्लूड की तो ये बिल्कुल एन इकोइक एसाइटिस आ रही है इसमें किसी भी किस्म की जो है वो डबरीनेस कलेक्शन नहीं है ये हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल वॉल आ रही है और नीचे जो है वो बावल गैसेस सॉरी बावल लूप्स आ रहे हैं और दरमियान में जो बिल्कुल सा आ रहा है दरमियान में जो ब्लैक नज़र आ रहा है एन सा वो एसाइटिस है फ्री फ्लोइड पड़ा हुआ है एबडाम में सो इस तरह से जो है वो अल्ट्रासाउंड पे हमें एसाइटिस या फ्री फ्लोइड नज़र आता है अगर इस इमेज की बात करें तो ये है हमारे पास जो है डबरीनस फ्री फ्लोइड डबरीनस जो है वो हमें नज़र आता है जब ट्रामा का कोई पेशेंट हो उसमें ट्रोमेटिक केसेस में डबरीनस फ्री फ्लोइड नज़र आएगा जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है बिल्कुल जो दानेदार सा फ्लूड नज, नजर आ रहा है ये होता है हमारे पास डबरीनस फ्री फ्लूड लाइक ब्लड क्लॉट्स उसमें जमा हुए होते हैं ये इमेज जो है ये सेप्टेटेड एसाइटिस की है सेप्टेटेड दरमियान में जो है एब्डोमिनल कैविटीज़ में छोटे छोटे से सेप्टाज आ जाते हैं बिल्कुल जाले की तरह जो एसाइटिस होती है एज यू कैन सी ऑन दिस इमेज के बिल्कुल जैसे जाला बिछा होता है उस तरह से है ये सो सेप्टेटेड एसाइटिस इन्फ्लामेटरी एसाइटीज़ होती है और इसको हम जो है वो लोक्यूलेट एसाइटीज़ भी कहते हैं लोक्यूलेटेड पेरिटोनियल एसाइटीज़ जिस भी रीजन में है बिल्कुल जैसे जाला बिछा होता है उस तरह से ये नज़र आती है इस इमेज में देखें तो सेम लाइक अपेयरेंस है जाल की तरह जाल बिछा हुआ है फिश नेट अपेरेंस जिसको हम कहते हैं इसमें भी फिश नेट अपेरेंस आ रही है छोटे छोटे से सेप्टाज आ रहे हैं और सेप्टास के दरमियान जो है हमें फ्री फ्लूड नज़र आ रहा है आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेप्टास के दरम्यान आपने ये भी ध्यान रखना है कि फ्री फ्लूड जो नज़र आ रहा है वो एनिकोइ है या डिब्रीनस फ्री फ्लूड आ रहा है इसमें हम देखें तो जो है वो ट्रामा के जो पेशेंट होते हैं उसमें आपको डिब्रीनस नज़र आएगी और डिब्रीनस का कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्कुल जैसे गंदा सा नज़र आएगा पानी आपको बिल्कुल साफ शफाफ जो है वो इसाइटिस आपको नज़र नहीं आएगी सो ये आपने डिफरेंस जो है वो क्लैरिफाई रखना है डेबरिनस में और इकोइक लाइक सिंपल जो एसाइटिस हैं जो डेबरीनस एसाइटिस हैं एज यू ऑल नो कि डेबरिनस एसाइटीज़ हमें ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि कोई मलिगनेंसी चल रही है किसी किस्म की मलेग्नेंसी है कैंसेरस है जिसकी वजह से इस तरह से सेपरेटेड लाइक फिश नेट अपेरेंस की आ रही है एसाइटिस सो दिस इज़ द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट तो अब हम ये देखेंगे कि एसाइटिस हो कहाँ सकती है सोनोग्राफिकली so, हमने किस किस रीजन्स में देखना होता है कि फ्री फ्लूड है या नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ द हिपेटोरिनल स्पेस जिसको हम मोरिस पाउच भी कहते हैं सबसे पहले हम मोरिस पाउच में देखेंगे कि उसमें फ्री फ्लूड है या नहीं है देन हम देखेंगे स्प्लिनोरिनल पाउच में कि स्प्लिनोरिनल में फ्री हाँ फ्लूड है, है या नहीं है नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिनोरिनल पाउच में कि उसमें फ्री फ्लूड है या नहीं है एसाइटिस पॉकेट तो नहीं डोमिनल कैविटी में पड़ी हुई ब्लैडर के पास कोई फ्री फ्लूड तो नहीं है जिसको हम पेल्विक एसाइटीज़ कहते हैं सुपरफिशियल वेजल्स में कोई एसाइटीज़ तो नहीं है और इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्लूड की अपेयरेंस किस तरह की है जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि डिब्रीनस है सिंपल है या किस तरह की उसकी सोनोग्राफिकली अपेयरेंस आ रही है सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जहाँ पर आपने एस को एलोकेट करना है जहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा फ्री फ्लूड नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा दैन उसके बेस पे आप उसकी अपेयरेंस से मैनिपुलेट करेंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन आ रही हैं सो so, अगर हम देखें कि पेटोरिनल पाउच यानी मॉरिसन्स पाउच में हम किस तरह से देखेंगे सो एज़ वी ऑल नो कि मॉरिसन्स पाउच होता है हमारे पास लीवर और किडनी के दरमियान सो so, लीवर और किडनी के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं मोरिस पाउच ठीक हो गया उसमें हमने फ्री फ्लूड देखना है कि लिवर के लेफ़्ट लॉब के पास कोई एनिकोइक से स्ट्रीक तो नहीं आ रही या जो है वो फ्री फ्लूड तो नहीं पड़ा हुआ सो एज़ यू कैन सी ऑन दिस इमेज लीवर और किडनी के दरमियान जो मॉरिसन पाउच है वहाँ पे फ्री फ्लूइड आ रहा है एज़ यू कैन सी कि हमने राइट अपर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट व्यू दिखाया हुआ है और इसमें जो है दरमियान में फ्री फ्लूड आ रहा है इट मीनस के एसाइटिस पड़ी हुई है सो so, इसमें भी देखें तो बहुत ह्यूज हीस हमें नज़र आ रही है लिवर जो है वो बिल्कुल उसमें कोर्ज और जो है सीरोटिक लिवर आ रहा है और ऊपर बहुत सारी एसाइटिस लिवर के लेफ़्ट लॉब के पास, पासप्लिनो रिनल स्पेस में हमने क्या देखना होता है स्प्लिनो रिनल स्पेस में हम देखेंगे कि स्प्लिन और किडनी के दरमियान या उसके आसपास कोई फ्री फ्लूइड, कोई फ्री कलेक्शन तो नहीं है सेम हमने उसी तरह से प्रोटोकॉल लगाना है जैसे पीछे था कि हमारे पास जो एस आइटीज़ आ रही है वो सिंपल uh, है एन इकोइक है या उसमें किसी भी किस्म का uh, हाइपो इकोइक या हाइपर इकोइक टेक्स्चर आ रहा है किस तरह का उसका इको टेक्स्चर है सो so, इसमें देखें तो जो है वो स्प्लीन के uh, पास एस आईटीज़ आ रही है स्प्लीन के साइड पर ब्लैडर सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैडर के पास एस आइटीज़ है कि नहीं दिस इज़ द मेन पॉइंट क्योंकि ब्लैडर भी हमें एन इकोइक नज़र आता है आपने ब्लैडर के आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक like ब्लैडर की वॉल थिकनेस देखेंगे उसके पास यूटरस है अगर फीमेल पेशेंट है तो यूटरस के पास देखेंगे कि कोई किसी किस्म की कलेक्शन तो नहीं एसाइटिस तो नहीं पाउच ऑफ डगलस में कुछ तो नहीं सो so, उस ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अच्छे से उसको मैनिपुलेट करना है कि एसाइटिस है या नहीं है सो so, इसमें देखें तो ब्लैडर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है और ब्लैडर के नीचे जो है हमें एसाइटिस नज़र आ रही है ब्लैडर की दोनों साइड्स पर अगर देखा जाए तो फ्लूड कलेक्शन है और मॉडरेट इसाइटिस हैं ब्लैडर की वॉल्स जस्ट प्रोमिनेंट हो रही हैं क्योंकि ब्लैडर तो ऑलरेडी एनी कोई होता है सो so, साइड्स पे देखें तो जो एनी कोई सारा एरिया है दैट्स द इसाइटिस अब हम चलते हैं सोनोग्राफिक पेरेंट्स पे ये स्कैन एक हाँ मैंने किया था सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर इट ये जो है हमारे पास सी का केस था एज़ यू नो मैंने बताया कि अगर आपका पेशेंट सी का है तो उसमें कॉमन बात है कि स्प्लिनो मगैली होगी और दूसरा उसमें एसाइटिस होगी तो ये स्प्लिनो मगैली इसमें हमें शो हुई थी ऑलमोस्ट जो है वो थर्टीन फोटीन पॉइंट एट इसका आ रहा है साइज और जो है वो इसकी विर्थ भी ऑलमोस्ट सेवन तक आ रही है इसकी विर्थ सो so, ये अच्छी खासी स्प्लिनो आ रही है हमारे पास सो so, एज़ के इसमें दरमियान में कोई किसी किस्म का फ्री फ्लूड नहीं है देखें इनल पाउच जो है वो हमारा क्लियर है इसमें किसी किस्म का फ्री फ्लूड नहीं आ रहा सो so, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि जो है हमारे पास किडनी सॉरी लिवर का टेक्सचर कैसा है तो लिवर का टेक्सचर भी कोर्स आ रहा है और लिवर के लेफ़्ट लॉब के पास जो है हमें साइटज़ नज़र आ रही है का टेक्सचर भी कोर्स है मार्जन्स बिल्कुल इरेगुलर से आ रहे हैं इस पर जो है सी एल डी पे एक अलग से लीवर के मार्जन्स लीवर के टेक्सचर्स लिवर की सोनोग्राफी के नैटमी इस पर एक अलग से मैं डिटेल लेक्चर बना दूँगी आप वो देख लीजिएगा सो उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं सो एज़ यू कैन सी कि लिवर के लेफ्ट लोब के पास हमें जो है वो कलेक्शन नज़र आ रही है इट मीनस के एसाइटिज़ है मिनिमल है बट देर इज एसाइटिज़ जो है हमारे पास इंटरलोप फ्री फ्लूड आ रहा है सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टेट यून फॉर फर्दर एडियोलॉजिकल वीडियोज सो इज